नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपी पुलिस की नई भर्ती के बारे में। यूपी पुलिस में 52,000 पदों पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो न्यू वैकेंसी 2020 में आने वाली है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एज क्या होगी, एज में क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, ऑनलाइन कोर्सेज वाले और कोचिंग वाले, इस जो कोचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेगा। क्या सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आएंगी, क्या उसके लिए डिले कर दिया है, सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस इस चैनल पर स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें आपके लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स एवं रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस जल्दी ही इस चैनल पर स्टार्ट होने वाली हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, बिना किसी पेड कोर्स के। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सारी की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपको बता दूँ दोस्तों, यूपी में न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसकी खबर बहुत समय पहले ही मिल चुकी है और यूपी पुलिस ने इसके लिए, यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने इसके कन्फर्म कर दिया है। और ये पुलिस हेडक्वार्टर कालपी में उन्होंने बोला था कि 51+1000 यानी 52,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो 52,000+ पदों पर ये भर्ती होने वाली है। मैं सारी की सारी अपडेट्स आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि एज में क्या होगा, तो आपको बता दूँ, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, उनके लिए एक वर्ष बढ़ सकती है। अभी नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन एक वर्ष बढ़ सकती है ऐसा बोला जा रहा है। और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनको न्यू वैकेंसी में 10% का रिजर्वेशन भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 10% का रिजर्वेशन भी मिलने वाला है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले। और कौन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, जिनकी जो इनकम है, जिन कैंडिडेट जिनके फैमिली 8 लाख से कम इनकम का अगर सर्टिफिकेट आपके पास ईडब्ल्यूएस का है, तो आप क्रीमिलियर से नीचे माने जाएंगे और आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऑनलाइन कोर्सेस और ऑफलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोचिंग वाले, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों ने, अगर ऑनलाइन कोर्सेस वाले हैं तो आपने अपने कोर्स पहले ही खरीद चुके हैं और आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप लगे रहिए, आप लगे रहिए, क्योंकि ये वैकेंसी तो आने वाली है। 100% वैकेंसी आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत समय लग रहा है वो पिछली वैकेंसी की वजह से लग रहा है, क्योंकि उनको भी अभी ज्वाइनिंग पे जाना है। तो आप लगे रहिए, मैं आपको दिखा ही देता हूँ पूरा न्यूज़पेपर में। मैंने देखो, यहाँ से आप भी देख सकते हैं, 51,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द, और योगी का ऐलान है, योगी जी का ऐलान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में जल्द 51,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट, अगर दोस्तों इसी प्रकार से हम बात करें, यूपी के जो डीजीपी हैं ओपी सिंह साहब, उन्होंने भी इसके बारे में बता दिया है कि 52,000 पदों पर सिपाहियों की भर्ती होगी। 1.3 लाख, 1,30,000 पदों पर होनी थी, जिसमें से लगभग 78,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है। नेक्स्ट, इसी तरीके से बात करें दोस्तों, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। एंड जो ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा था, यूपी के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा आरक्षण का लाभ, तो ये पूरा का पूरा डिटेल जो मैंने आपको अभी बताया है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो पक्का है ये वैकेंसी आने वाली है। कब आ सकती है, हो सकता है ये वैकेंसी जनवरी में आ जाए या फरवरी की स्टार्टिंग में आ जाए। तो एक न्यूज़पेपर में ये भी लिखा था जनवरी की स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, तो हो सकता है फरवरी तक ये पहुँच सकती है। तो फरवरी तक शायद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।